हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदनी आज आपके लिए फिर एक यूज़फुल डोरमैट लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी कलरफुल है और ये काफ़ी हैवी है। और इसको मैंने कुछ सी शेल जैसा बनाया है और इसका नाम भी मैंने सी शेल डोरमैट ही रख दिया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज हम बनाना सीखेंगे नए स्टाइल का डोरमैट। उसके लिए मैंने ये बचे हुए कुछ पीस लिए हैं और इसका जो साइज़ है, ये तीन प्रिंट में आप देख रहे हैं, सब कॉटन है। तो ये 6 इंच बाई 40 इंच लंबा वन पीस है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने ज्वाइन भी डाला है क्योंकि सेम कपड़ा था, ये आप देख सकते हैं। तो इसको इस तरह से तैयार करना है, 6 बाई 40 इंच के तीन पीस क्या, बल्कि तीन पीस मैंने ये जोड़े हैं और एक प्रिंट मैंने इस तरह से जोड़ करके इसको कट किया है। तो इसको कैसे कट करना मैं इसमें बताऊंगी, उसको पहले कर लिया नहीं तो टाइम ज़्यादा लगता है। अब इन तीन पीस को हमें आपस में जोड़ देना है, कॉम्बिनेशन के हिसाब से जोड़ेंगे। 40 इंच का जो लेंथ है हमारी, इसको हम आपस में जोड़ देंगे। अब इसको हमने इस तरह से पूरा जोड़ दिया तीनों पीस। अब जो शेप काटना है उसके लिए हम लेंगे पहले न्यूज़पेपर और इस पे हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमें नीचे से हम लेंगे 5 इंच, ये हमने 5 इंच पर निशान लगाया, 5 ऊपर भी ले लेंगे, थोड़ा और ऊपर तक जाएंगे और इसको यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। और इसकी जो लेंथ है वो 18 लेनी है हमें, 5 6 18, ये 18 आ रहा है। तो 6 बाई 18 इंच का पेपर कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद इसको मोड़ लेंगे, मोड़ के सेंटर निकाल लेंगे, ये सेंटर निकाल लिया हमने, ये सेंटर आ गया। सेंटर से 2 इंच इधर लेंगे, ये हमने 2 इंच लिया। अब इस 2 इंच से सीधे हमें यहाँ पर 5 पर मिला देना है। ये जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया था, इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और इस कॉर्नर तक इसको पूरा इस तरह से फोल्ड कर देंगे, इस तरह से, और इधर से इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको हम जो फोल्ड किया है इसको कट कर देंगे। और ये हमारा शेप तैयार हो गया। अब ये जो हमने तैयार किया था कपड़ा, इसको लेंगे, पेपर को रखेंगे, कॉर्नर से मिलाते हुए और इसको यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से ड्रॉ करने के बाद ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको हम कट करेंगे। ये हमारा शेप आ गया। अब इसको इस साइड पलट देंगे, एकदम बराबर से रखते हुए। अब इसको उलट पलट के रखते हुए कट करते जाएंगे। एक बार 5 इंच इधर आएगा, एक बार इधर आएगा, इसी को बस उलट पलट के रखना है और कट करते जाना है।
ये हमने सब कट कर लिए। अब पीस हमको मिले इसमें से 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 एट पीस हमको ये मिले हैं, 8, 9 और ये 10 10 पीस हमको ये मिले हैं, और ये हमारे पास 9 पीस पहले से थे जो मैंने आपको दिखाया। अब इसको मिक्स मैच करके हम बनाएंगे। अब एक पीस इसको लेंगे और एक पीस जो अभी मैंने कट किया है उसमें से लेंगे, और जो पतले हिस्से हैं 2 इंच वाले उनको एक साथ रखेंगे, और जो 5 इंच वाले हैं उनको एक साथ रखेंगे, और सारे पीस को इसी तरह से जोड़ देंगे। अब इसको तैयार करने के बाद पूरा जितने भी पीस हैं तो एक पीस छोड़ेंगे, एक पीस को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर प्लीट्स दे देंगे सिलाई पर, इस तरह से एक अंदर करते हुए इसको हम यहाँ पर प्लीट्स देंगे। एक प्लीट्स देने के बाद एक वाला छोड़ देंगे, फिर अगले वाले पे प्लीट्स देंगे सिलाई से सिलाई मिलाते हुए, फिर एक छोड़ देंगे, और इसी तरह से पूरा तैयार कर देंगे। अब ये इस शेप में आ गया, ऊपर का घेरा कम हो गया और नीचे का गोल हो गया। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम लेंगे इसके बेस के लिए कोई कपड़ा, तो कपड़े के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये एक रजाई का खोल है, पतला कॉटन है पूरा। इसको लेंगे, इसके ऊपर इसको रखेंगे, और इसको यहाँ से सिलते हुए पूरा इस तरह से गोलाई से सिलते हुए इसको यहाँ ले आएंगे इस तरह से, और सिलने के बाद जो नीचे का कपड़ा है उसको हम कट करेंगे। तब इसको हम सिलना शुरू करते हैं। ये पहले हमने ये साइड सिला है, अब इसके बाद इसको सेट करते हुए जितना ये तनाव में आएगा इसको रखते हुए जो दूसरा सिरा है इसको हम यहाँ पर सिल देंगे, यहाँ पर पिन लगा देंगे जिससे कि ये अपनी जगह पे टिका रहे। हमने कुछ इस तरह से जोड़ दिया है। अब ये जो जितना कपड़ा है देखिए इसमें पूरा बराबर फैल गया है। अब इसको हम नीचे से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है लाइनिंग का उसको कट कर देंगे इसी शेप में। अभी हमने ऊपर से पिन नहीं निकाली है, अब यहाँ पर इसको गोलाई से सिल देंगे। इस कपड़े को कट नहीं करना है। अब हमें क्या करना है कि जितना भी ये जो प्लेट्स हमने डाली हैं इस प्लेट्स पर हमें मशीन चलानी है सीधे सीधे।
जहाँ पर प्लीट्स डाली थी, प्लीट्स का कपड़ा अंदर से निकालिए और जितना निकल सकता है निकालिए, और वहाँ नहीं तो वहीं से मशीन चला दीजिए। इस तरह से सिलने के बाद अब ये जो हमारे पास सादा कपड़ा बचा है, इसके लिए हम एक पीस निकालेंगे। इस तरह से एक कपड़ा लेंगे, सिंपल मेजरमेंट करेंगे, कट करेंगे और इसके ऊपर इसको इस तरह से रखते हुए ऊपर का हिस्सा मिला देंगे। ऊपर वाले में पिन लगा देते हैं। पिन लगाने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से देखते जाएंगे और गोलाई से अंदर दबाते हुए जितना भी कपड़ा है सिलते चले जाएंगे। अब ये हो गई हमारी तैयारी। इसके बाद अब हम लेंगे इसके अंदर की फिलिंग। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ये मेरे पास कतरन है और काफ़ी कतरन है। आप देख सकते हैं पूरी पॉलीथीन मेरे पास भरी हुई है। तो मेरे पास इतनी कतरन है कि बड़े से बड़ा डोरमेट भी बन सकता है। अगर आपके पास इतनी कतरन नहीं है तो आप फिर छोटा डोरमेट भी बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे हमारे पास स्पेस खुला हुआ है इसके अंदर ही कतरन को हम धीरे धीरे फिल करेंगे। लंबी स्केल या सलाई या किसी डंडी की मदद से इसके अंदर धीरे धीरे पूरा फिल कर देंगे। अगर आपके पास कतरन नहीं है, फाइबर है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और ये इतना थोड़ा सा छोड़ के, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे और भी काम करना है, तो इसको यहाँ पर हम पिन लगा कर छोड़ देंगे और इसी तरह से सारा भरना है। और यहाँ पर इसको हमने कुछ कतरनों से इस तरह से भर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा अलग अलग सेपरेट शेप आया है। और भरने के बाद हमने यहाँ पर पिन से, जो ये वाली पिन, इससे हमने इसको अभी इस तरह से रोक रखा है ताकि कतरन बाहर ना निकले। और यहाँ पर ये जो हमने ऊपर एक गोल शेप दिया था, इसमें भी हमने कतरन अलग से भर दी है। अब इसमें हमें क्या करना है, फिनिशिंग देनी है। फिनिशिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पाइपिंग डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये ग्रे कलर की पाइपिंग ली है और इसमें हम चारों तरफ से बस एक पाइपिंग जोड़ते चले जाएंगे। और ये हमारा डोरमेट कंप्लीट हो गया। और इस डोरमेट का मैंने नाम सी शेल डोरमेट रखा है। ये उसी तरह के शेप में आया है
और ये काफ़ी मैंने ठोस इसको भरा है, क्योंकि दबते दबते ये थोड़ा सा और नरम होगा, थोड़ा दबेगा। और बड़े बुज़ुर्गों के कमरे में रखिए इसको, उनके पैर के नीचे रखने से उनको ये एक्यूप्रेशर की थोड़ा सा जब काम करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें, उनको आराम मिलेगा उनके पैरों के लिए। और इसको आप मेन डोर पे भी रख सकते हैं, अब तो बरसात आने वाली है तो कोई ऐसी चीज़ जो पानी सोखे उस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन वाल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।